अम्मी अम्मी, क्या बात है बेटा? क्या आज फिर ऑफिस में किसी से झगड़ा हो गया? अम्मी आप तो सब जानती हैं, बस के धक्के खा खा कर थक चुकी हूँ मैं। कब ठीक होंगे हमारे हालात? बेटा जब अल्लाह चाहेगा जब ही हालात सही होंगे। अभी जितना अल्लाह ने दिया उसी में शुक्र अदा करो। अम्मी थक गई हूँ अब मैं शुक्र अदा कर करके। बुरी बात सना, ऐसा नहीं कहते। अरे अपने से नीचे वाले लोगों को भी देखा करो। अरे अरे बहन आइए, कैसी हैं? ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। आए ना बैठे आप, इतना नज़दीक रहती हैं फिर भी कभी कभार आती हैं। अरे बहन क्या बताऊँ, बस तबीयत ही ठीक नहीं रहती। शाजिया की पढ़ाई की वजह से रुकी भी हूँ, वरना तो बेटा और बहू मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि आप लाहौर आ जाएं हमारे पास। अच्छी बात है, शाजिया इंटर कर ले तो चली जाना। मैं तो ये सोच रही थी कि शाजिया की शादी भी मैं यहीं कर दूँ। हाँ बाजी, बस बेटियों की यही फिक्र होती है। हाँ बहन। अच्छा ये बताओ, सना की शादी कब कर रही हो? बस बाजी अल्लाह से दुआ करें कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए। ज़रूर मिलेगा, अब जान सा लड़का मिलेगा। क्या मसला है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। अगर तुम चाहो तो शेयर कर सकती हो। क्या शेयर करूं, क्या कर लोगे तुम? ओके, जैसा तुम्हारी मर्जी। यार क्यों करती हो उस बेचारे के साथ ऐसा? पसंद करता है वो तुम्हें। मुझे मालूम है जोया, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या चाहती हूँ। इसलिए सलमान के टॉपिक पर आइंदा मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सना बात तो करो मुझसे, कुछ बताओ तो मुझे। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हें परेशान देख कर मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। क्या जानना है तुम्हें? मेरी पसंद नापसंद, मेरी ख्वाहिशें, मेरे जज्बात जिनका मैं गला घोटती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें बताओ मुझे। सलमान तुम कुछ नहीं कर सकते। बताओ तो सही। माना मैं कुछ नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट तुम्हारी परेशानियों को कम करने की छोटी सी कोशिश तो कर सकता हूँ ना। वो अगले हफ्ते ना मेरी एक फ्रेंड की मंगनी है, और तुम्हें पता है मेरे पास ना एक भी ढंग का सूट खरीदने के पैसे नहीं है। बस ये बात है, तुम ना बिल्कुल बच्ची हो बच्ची। यार प्लीज बकवास मत करो, मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है। सलमान मुझे यही सब तो पसंद है, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप। अच्छा तो ये बात है। चलो समझो तुम्हारा ये मसला हल हो गया। कल मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पे ले जाऊंगा, और तुम्हें जो ड्रेस पसंद है वो तुम खरीद लेना, ठीक है? क्या वाकई तो मुझे शॉपिंग करवाओगे? तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है, है ना? प्लीज सलमान। अच्छा मामा, कल ऑफिस से वापसी पर मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पे ले जाऊंगा। अब तुम अपना मूड ठीक कर लो प्लीज। हैप्पी? ओके।
तुम्हें जल्दी फैसला करना है, लड़के वाले जोर दे रहे, पता है उनको सना पसंद आ गई है बहुत। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर क्या करूं बाजी, वो सना है ना ऑफिस आते ही सो जाती है और हम लोगों को बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। आज मैं ज़रूर उससे बात करूंगी और कल आपको जवाब दूंगी मैं। लड़का बहुत अच्छा है, लड़के में कोई बुराई नहीं है, दाल चावल का होलसेल का काम है अपना। अच्छा बाजी, बस मेरी बेटी की अच्छी जगह शादी हो जाए तो मैं दुआएं दूंगी। बस अपने बाप के मरने के बाद बहुत कम उम्र में मेहनत कर रही है वो, मुझे इसी चीज़ का फोकस है, शादी जल्दी हो जाए। इंशाल्लाह, देखना ये लड़का बहुत ही अच्छा है। सना बेटा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी अम्मी, बोलें। वो दरअसल मैं कुछ दिनों से तुमसे बात करना चाह रही थी। दरअसल तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है और मैंने देखा है लड़के को, बहुत ही शरीफ लड़का है, जनरल स्टोर है उसका अपना। क्या हो गया है अम्मी आपको? मैं एक दुकानदार से शादी करूँगी। बेटा लड़का बहुत ही शरीफ है और उसका आगे पीछे भी कोई नहीं है। अरे तुमसे नौकरी भी नहीं करवाएगा वो। मुझे उसकी शराफत का अचार नहीं डालना है। मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो वेल स्टेबल होगा, क्योंकि मुझे शादी के बाद इस तरह रोल रोल कर जिंदगी नहीं गुजारनी है। लगता है फिर बॉस से कोई असाइनमेंट लेकर आ गई। ये कोटेशन आज फाइनल करनी है। ओके। बॉस वैसे ही गुस्से में है आज। कोई नई बात करो यार। नई बात ये है कि विल्सन कंपनी के डायरेक्टर आ रहे हैं और उनसे आज इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है। ओहो, फिर तो यकीनन बॉस ने ये काम भी आपको ही दिया होगा। यस भाई, इसका प्रमोशन तो पक्का है। वैसे एक बात तो बताओ, तुम इतना सारा काम अकेले कैसे कर लेती हो? ये बात मैं आप जैसे कामचोरों को नहीं समझा सकती। फरहान साहब, आप यहाँ कैसे खड़ी हैं? मैं अपनी बस का इंतजार कर रही थी। कहाँ जाएंगी आप? घर। आए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं मेरी बस आने वाली है, मैं चली जाऊंगी। अरे बस का किराया मुझे दे दीजिएगा। आइए प्लीज, आइए आइए आइए। बस का किराया मुझे दे दें। थैंक यू। ओके। आप बहुत टैलेंटेड हैं, कब से जॉब कर रही हैं? 3 साल से। सर, जब मैं 12 साल की थी तो मेरे बाबा का इंतकाल हो गया था। 6 साल तक मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सी सी कर गुजारा किया और फिर उनकी तबीयत ख़राब होने लगी तो फिर मैंने जॉब कर ली। बहुत खुशी हुई ये बात सुन के कि तुमने इतनी छोटी सी उम्र में घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। जी, मैं बहुत तरक्की करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बचपन से ही महरूमियत देखी है। जब इतनी मेहनत करती हो कि जल्दी से प्रमोशन मिल जाए। सर, आप दिखने में बहुत संजीदा लगते हैं, मगर मगर वो सर आगे वाले सिग्नल से लेफ्ट ले लीजिएगा। देखो सर कहोगे फिर तो नहीं मोड़ूंगा।
और कितने लोग हैं घर में? घर में मेरी मामा है और मैं हूँ। अच्छा, आप बताएं आपके घर में कौन कौन है? बस दो बच्चे हैं, एक बीवी है, ऐसी जिंदगी बस परेशान कौन गुजर रही है। अच्छा, कोई जिंदगी में चार नहीं है। लड़के में कोई बुराई नहीं है बेटा, जब अल्लाह चाहेगा जब ही सब ठीक होगा। अभी जितना अल्लाह ने दिया उसी में शुक्र अदा करो। सना अब तक ऑफिस नहीं आई? हाँ, उसकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई है तो वो उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गई है। क्या, तुम्हें ये किसने बताया? मैंने अभी फोन किया था तो पता चला। ओके। अम्मी, ये सारी की सारी दवाइयाँ आपको खानी है। नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं आपके लिए परेशान होती हूँ, ये सब आपको अच्छा लगता है? नहीं, तुम शादी के लिए मान जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। अम्मी आई, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम आओ अंदर। तुम्हें तो तौफीक ही नहीं होती ना मुझे बताने की। मुझे जोया ने बताया। अब कैसी तबीयत है आंटी की? काफ़ी बेहतर है, लेकिन आज सुबह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? बैठो। मैं ठीक हूँ, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? अरे बेटा, बस अब इस उम्र में यही सब होता है। देखा तुमने, यही जवाब सुनने को मिलता है मुझे। कुछ नहीं होगा आपको, अभी तो आपने सना की शादी भी करनी है। हाँ बेटा, मुझे यही फिक्र है, अभी मैं सना से यही बात कर रही थी। अम्मी आप इसकी बात बिल्कुल मत सुने, ये तो पागल है। सलमान सही कह रहा है, जाओ तुम जाकर इसके लिए चाय बना के लाओ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपकी तबीयत पूछने आया था। ये बताएं डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? ठीक हो जाऊंगी बेटा, डॉक्टर्स ने क्या कहना है। हाँ सना, मैंने जो तुम्हारे घर बुके भेजा था कैसा लगा? बुके? वो तो आपने अम्मी के लिए भेजा था ना, अच्छा था। अरे बाबा, अम्मी के लिए मैंने कार्ड भेजा था, बुके तुम्हारे लिए भेजा था? मेरे लिए था, बहुत अच्छा था। तुमने फ्लावर्स की कलेक्शन नहीं देखी? हाँ देखी थी, बहुत प्यारी थी। सना तुम लंच नहीं कर रही? अभी कुछ काम है, बाद में कर लूँगी। सना तुमने अब तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सलमान तुम जानते हो मेरा जवाब। पर सना प्लीज सलमान, काम करने दो मुझे। देखें, आपको किसी भी हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। बस जितना जल्द हो सके आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। अच्छा मैं चलता हूँ।
ये सब क्या है सना? अम्मी, फरहान साहब मुझे पसंद करते हैं। इतनी बड़ी उम्र का आदमी है वो। अम्मी, उम्र से क्या फर्क पड़ता है? आप ये भी तो देखें कि कितने अमीर हैं वो। पैसा पैसा पैसा, अरे पैसा सब कुछ जरूरी नहीं होता सना, रिश्ते भी बहुत जरूरी हैं, और वैसे भी वो हमारे तबके का नहीं है। तबके से क्या फर्क पड़ता है? पैसे ने तुम्हें अंधा कर दिया है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हो गया है मेरा दिमाग खराब, क्योंकि अब मुझे इस गरीबी की जिंदगी में नहीं रहना। मेरी अपनी भी कुछ ख्वाहिशात है जिन्हें मैंने पूरा करना है। पूरा करने के लिए तुम्हें शादीशुदा मर्द के साथ रहना चाहती हो? वो अपनी बीवी को छोड़ चुके हैं। अरे जो अपनी पहली बीवी का नहीं हुआ वो तुमसे क्या वफा करेगा? देखे अम्मी, उनकी पहली बीवी अच्छी नहीं थी, और ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई है। बहरहाल मैं शादी करूंगी तो सिर्फ फरहान से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। जो दिल में आए करो, जब माँ की कोई वैल्यू नहीं है तो पूछने की क्या जरूरत है तुम्हें? अम्मी, सना ने जॉब छोड़ दिया। क्या अचानक? शादी कर रही है वो। सलमान, जिसे तुम्हारे जज्बात का एहसास नहीं उसके लिए अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। सनब, तुम्हारे नजदीक मेरे एहसास और जज्बात की वाकई कोई अहमियत नहीं है। तुम क्यों मुझे बार बार शर्मिंदा करने की कोशिश करते रहते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम उस शादीशुदा शख्स के लिए। प्लीज सलमान, ये प्यार व्यार कुछ मायने नहीं रखता जब पैसा नहीं होता, और तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी तो खराब बिल्कुल मत करो। तुम्हारे नजदीक प्यार से ज्यादा पैसों की अहमियत है ना? ऑफ कोर्स सलमान, और अब तुम भी मैच्योर बनकर सोचो और अपने लिए कुछ बेहतर कर लो। सना, बस अब बहुत हो गया सलमान, और प्लीज मुझे अब दोबारा फोन मत करना। बाय सना। तुम? जी, कल शॉपिंग मॉल में बहुत थकन हो गई थी। नाश्ता बना दूं आपको? नाश्ता कर लिया मैंने। Thank you.
हेलो हेलो, आप आ रहे हैं ना? मेरी फ्रेंड की मंगनी है आज। नहीं नहीं, मुझे जरूरी काम है। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, इसीलिए मैंने आपको एक हफ्ता पहले बता दिया था। हाँ, मगर मैं बिजी हूँ यार। तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। सना कैसी है बेटा? हाँ, अरे बच्चा कैसे है? फरहान नहीं आया, तुम अकेली आई? खैरियत तो है? सब ठीक है, आप कैसे लगता है? तुमने तो अकेले आके मुझे परेशान ही कर दिया। चलो आओ आओ, अंदर चल के बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना तुम? मुझे देख के हैरत में आ गए ना। जोया तुम सलमान के साथ? हाँ, वो एक्चुअली जोया के साथ मेरी मंगनी हो गई। मुबारक हो जोया। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बताओ, तुम यहाँ और फरहान सर कहाँ हैं? वो एक्चुअली उन्हें ऑफिस का ज़रा कुछ काम था तो वो नहीं आए। तुम लोग बताओ क्या हो रहा है आजकल? वो हमारी शादी होने वाली है, बस उसी की शॉपिंग के लिए आए थे। तुम बताओ, तुमने कुछ नहीं लिया अभी तक? तुम्हें मेरी मसरूफियात का पता है, फिर क्यों मेरा इंतजार करती हो? मैं उन शोरों में से नहीं हूं जो बीवी के चौचले उठाते फिर हैं। तुम्हारे पास पैसा होता है, गाड़ी होती है, हर तरह की आजादी है तुम्हें। यही चाहती थी ना तुम? मुझे आपका प्यार चाहिए। प्यार चाहिए? अरे जो औरत अपने शौहर के लिए नींद कुर्बान नहीं कर सकती, उसे वक्त नहीं दे सकती, तो वो औरत अपने शौहर से किसी बात की उम्मीद ना रखे। शादी से पहले तुम्हारी यही तो ख्वाहिशात थी, और अब जबकि तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी हो चुकी हैं, तुम फिर भी खुश नहीं हो? तुम्हारे पास
पैसा होता है, गाड़ी होती है, हर तरह की आजादी है तुम्हें, यही चाहती ना तुम। हेलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर आ जाएं। क्या मतलब? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर आके क्या करूँगा, मैं कोई डॉक्टर हूँ? जाके डॉक्टर को दिखाओ, और प्लीज़ ये बच्चों की तरह जो है ना, मुझे हर बात पे फ़ोन मत किया करो। जब तबीयत ठीक नहीं थी तो ऑफिस नहीं आना चाहिए था ना? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो? हाँ, मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र होती है। ना प्यार है कम दरमियान, पर अपनी तकदीर है बिल्कुल प्यार की। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात करनी है? सलमान, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं फरहान के साथ खुश नहीं हूँ, वो मेरी किसी बात का ख्याल ही नहीं रखते, ना मुझे टाइम देते। सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास हो गया सलमान, और तुम भी तो मुझे आज तक नहीं भुला सके हो ना? नहीं, ऐसा नहीं है। उस दिन तुम्हें मुझे जोया के साथ देखकर बुरा लगा था ना? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। मुझे भी गुस्सा आता था जब मैं तुम्हें और फरहान को एक साथ घूमता हुआ देखता था, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन सलमान, मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ, मैं फरहान से खुला ले लूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी, तुम भी जोया को छोड़ दो। तुम आज भी वैसे ही हो सना, जैसे पहले थी, सिर्फ अपनी खुशी की परवाह है तुम्हें। तुमने मेरे साथ तो वफा नहीं की, लेकिन मैं तुम्हारी खातिर जोया के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ सलमान, और ये बात मुझे अब पता चली है। देखो सना, इस तरह करने से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। तुम नहीं जानते तुम्हारे जाने के बाद जोया ने मुझे कितनी हिम्मत दी। अच्छा, तो मतलब अब जोया मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है? हाँ, आज मेरी नजर में जोया की अहमियत तुमसे बहुत ज्यादा है। अच्छा, रो मत प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे? तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम मुझे मैच्योर कहती थी ना, लेकिन आज तक तुम खुद मैच्योर नहीं हो पाई। तुमने प्यार की बिल्कुल भी कदर नहीं की। तुम जिंदगी की खुशियों के रंग को हासिल करने की कोशिश करते हो, तुमने कभी प्यार को समझा ही नहीं सना। तुम दुनिया की खुशियां हासिल करने की कोशिश करती रही सना। जिंदगी की असल खुशी यही रिश्ते हैं जो हम अपनी अना के लिए तोड़ते रहते हैं। तुम्हारी मोहब्बत का हकदार तुम्हारा शौहर है। जिस दिन से तुम उसे उसका हक देना शुरू कर दोगी ना,
तुम्हें तुम्हारा हक मिलना शुरू हो जाएगा। बस शुरुआत तुम्ही ने करनी है, क्योंकि गलती पर तुम, सिर्फ तुम। सलमान ने आज मुझे इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं चेंज हो गई हूँ, जब ही वो आज जोया के साथ है। मुझ में वो क्या कमी है जो मेरे पास नहीं आना चाहता? मेरा तो बस जिंदगी जीने का तरीका ही चेंज हुआ है। सलमान क्या जाने कि फरहान के दिल में प्यार करने का कोई एहसास ही नहीं है। मेरे लिए तो ये कोशिश करना भी नाकाम होगी। मॉर्निंग। आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? वो आप इतने दिनों से काफी कमजोर लग रहे थे, सोचा कि आज मैं आपको अपने हाथों के पराठे खिला दूं। वैसे ये तब्दीली कैसे आ गई? कैसे आई वो छोड़े, तब्दीली कैसी लगी? ऐसे क्या देख रहे हैं? उठें, फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। भई आज मेरा उठने को दिल नहीं चाह रहा। अरे आप बैठे ना, बैठे। क्या बनाया आपने? तुम भी आओ। हाँ ये ले। हाँ भाई नाश्ता तो बहुत जबरदस्त है, नूरी ने बनाया? हाँ नूरी ने बनाया है। अरे सना क्यों नाराज हो रही हो, मजाक कर रहा था। वैसे इतना अच्छा नाश्ता तुम ही बना सकती हो। अरे आप पराठा लें। बस बस, अरे क्या कर रही हो यार, मोटा हो जाऊंगा। वैसे सना तुम एकदम इतनी चेंज हो जाओगी, मुझे हैरत है। जो लड़की मेरे जाने के टाइम पर सोती रहे और आज वो मुझसे पहले उठ गई है। आप खुश नहीं है? नहीं बल्कि बहुत खुश हूँ, और मुझे लग रहा है आज तुम भी खुश हो। आप जूस पिए ना। हाँ तुम भी लो ना।